तो फ्रेंड्स जैसे कि ये है हमारे पास डिस्क कवर, ठीक है 150। तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग का इशू है, ठीक है, काफी ज्यादा स्टार्टिंग का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और फ्रेंड्स हमने ज्यादा कुछ चेक नहीं किया क्योंकि हमको डिस्क कवर के बारे में प्रॉब्लम काफी ज्यादा हमारे पास आ चुका है और हमने शॉर्ट आउट भी किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, और स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है मतलब इसमें स्पार्क नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब इसमें करंट ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो करंट चेक करने के लिए तो क्या क्या करना पड़ता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में हम सारा कुछ डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये होता है CDI हमारा, ठीक है, और देख सकते हो CDI है, और ये क्या हुआ फ्रेंड्स, CDI खराब हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। हमने ज्यादा कुछ चेक नहीं किया, सिर्फ यहाँ से ये सब लाइन्स प्रॉपर है कि नहीं चेक किया, और कैसे चेक करना है वो भी हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स जो इसका CDI है कितना हीट हो चुका है, ठीक है, और इसमें फ्रेंड्स बैटरी बिल्कुल भी है नहीं था, बैटरी बिल्कुल डेड था, ठीक है। और हमने क्या किया, बैटरी को चार्ज में लगाया फिलहाल, और ये जो बैटरी लगा हुआ है ये दूसरा बैटरी लगा हुआ है, जैसे कि तार कुछ तरह से है देख सकते हो। तो इसमें जो बैटरी का कनेक्शन देते ही मतलब 2 मिनट रखा करीब, ठीक है, 2 मिनट रखा रखते ही और इतना हीट हो चुका है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं दिखा दूं चाबी अभी ऑन करके। तो यहां से हमने खोल दिया था फ्यूज को, तो दोबारा लगा देता हूं, और यहां से देख सकते हो फटने लग गया, ठीक है, मतलब ये CDI फटने लग गया, इतना गर्म हो चुका है, मतलब ये और फटता जाएगा, देखना फ्रेंड्स अभी हालत इस तरीके से है, ठीक है, और कितना गर्म होके फट जाएगा। अगर मैं इसमें पेट्रोल डाल दूं ना शायद ये जल जाए, इतना गर्म हो चुका है। तो CDI का इशू है, ठीक है, और प्रॉब्लम किस तरीके से चेक करना है वो भी हम बताने वाले हैं फिर, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फिलहाल हमको तो पता चल गया ये देख के CDI खराब है, नहीं हमने क्या किया था फ्रेंड्स, बढ़िया से हमने करंट को चेक किया था, धुआं उड़ रहा है फ्रेंड्स देखिए, कोई गैस छट दीजिए, बदबू आ रहा है फ्रेंड्स, काफी ज्यादा स्मेल आ रहा है, देखिए धुआं उड़ रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हो फ्रेंड्स धुआं उड़ रहा है, देख सकते हो फ्रेंड्स धुआं उड़ रहा है कितना ज्यादा, बैटरी फिल्टर देख सकते हो फ्रेंड्स इतना हीट हो रहा है, मतलब बैटरी कनेक्शन देते ही ये इसका जल गया, जैसे कि CDI, ठीक है, हमको पता था ये CDI खराब है और इतना हीट हो रहा है, इस वजह से आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कनेक्शन दे रखा था। CDI खराब हो चुका है, पहले से हमने चेक करके रखा और 2-3 दिन से ये गाड़ी पड़ा हुआ था हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिला चेक करने को, ये बिल्कुल धुआं धुआं हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, आप लोगों के साथ मतलब शेयर करेंगे किस तरीके से इसका वायरिंग चेक करना होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो, बने रहिए फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलिए आप क्या करते हैं, आप लोगों में चेक करवा देता हूँ किस तरीके से चेक करना चाहिए, ठीक है, अगर वायरिंग का दिक्कत हो तो। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे फ्रेंड्स, ये जो आया हुआ है मैग्नेट से हमारा, ठीक है, वायर जो आया हुआ है मैग्नेट से उसको पहले हम चेक करेंगे, वो कहाँ पर है, ये है, ठीक है, ये जो सॉकेट है ये है सॉकेट, ठीक है फ्रेंड्स, हम इसमें क्या चेक करेंगे, ये जो है हाइट में रेड पट्टी, ये होता है पिकअप कॉइल का, ठीक है, इसमें हम रीडिंग चेक करेंगे, रीडिंग कितना आता है 200 के ऊपर आएगा, ठीक है, 220 या 30 उतने के उससे ज्यादा थोड़ा बहुत आएगा, तो रीडिंग भी हम चेक कर लेंगे। और फ्रेंड्स ये जो है दोनों ब्लू व्हाइट में, सॉरी ब्लू में व्हाइट का पट्टी जो है, ठीक है, इन दोनों को हमको आपस में फ्लश करना है, ठीक है, ना कि बॉडी में, जो कि मैंने हर बार ही बताता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, अगर जो मेरे पुराने व्यूअर्स है उसको पता होगा बढ़िया से, उन लोगों को, उन सब्सक्राइबर भाई को। तो चलिए इनको क्या करता हूँ, सॉकेट को खोल लेता हूँ, और फ्रेंड्स जो है ये जो सॉकेट है इसको हम जो व्हाइट और ब्लू है उनको हम आपस में टच करेंगे, ठीक है, जो कि ये दोनों है, ठीक है, चलिए इसको एक बार टच कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा मैग्नेट से सीधा जो आता है ये वायर को हम टच कर लेंगे, या तो अगर चेक करना चाहो तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, ठीक है, ये जो सॉकेट है ये दोनों सॉकेट यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, तो हम फिलहाल इस जगह पे चेक करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो इस जगह पे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पर चेक करेंगे फिर भी यहाँ पर चेक करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आ सकता है, अगर अंदर से वायरिंग कटा होगा तो फिर यहाँ पे शायद नहीं आए, ठीक है, आप सोच में लग जाओगे फिर। चलिए पहले हम रीडिंग चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले देखते हैं कितना रीडिंग आता है। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, जो अर्थ है ना फ्रेंड्स, ये जो अर्थ है अर्थ को हमने लगाया
कुछ इस तरीके से इसी सर्किट पे लगा हुआ है जो ब्लैक में येलो पट्टी है, ठीक है। क्योंकि हमको एसी पे आर्क चेक करना है, आप बॉडी पे अगर चेक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तो हम फिलहाल इसी पे चेक करेंगे और व्हाइट में रेड पट्टी जो है उसको टच कर देंगे, ठीक है। जैसे कि टच कर दिया फ्रेंड्स, अब देखो रीडिंग आ रहा है, ठीक है, 220 के 22 के ऊपर आ रहा है, तो ये सही रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया ये दोनों, मतलब पिकअप कॉइल का है जो है ये सही है और हमारा अर्थ भी मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर चेक किया, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, जो ये कलर है ना फ्रेंड्स रेड में व्हाइट में रेड पट्टी, वो आप इस जगह पर भी चेक कर सकते हो। सीडीआई का जो लाइन है यहाँ पर भी सेम रीडिंग दिखाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी सेम रीडिंग दिखाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से लाइक होता है, लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, ये जो आपस में फ्लश होता है इन दोनों को मैं एक बार दिखा देता हूँ, ओरिंग का टुकड़ा लेके किस तरीके से फ्लश होना चाहिए एक बार मैं दिखा देता हूँ। और दोस्तों अगर गाड़ी में बैटरी ना हो तो कैसे चेक करना चाहिए वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगर बैटरी होना चाहिए जरूरी है गाड़ी में, फ्रेंड्स हमने फ्लैश को ऑफ कर दिया और बढ़िया से समझ आएगा। और एक हमने क्या किया, एक तार का टुकड़ा लेके एक वायर में घुसा दिया और एक को हमने छोड़ दिया, कुछ इस तरीके से हम टच करेंगे। चलिए और किक लगाएंगे, ठीक है, देखते चाबी ऑन करते हैं, चाबी ऑन कर नहीं करना पड़ेगा, चलिए देखते क्योंकि ये डायरेक्ट लाइन है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देख पा रहे हो फ्रेंड्स, और प्लग हमने खोल के रखा क्योंकि कंप्रेसर बहुत ही आसान हो जाए, ठीक है, देख सकते हो फ्रेंड्स, देख सकते हो इस तरीके से फ्लश होना चाहिए, जैसे कि फ्लश हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ लगा ना, इस जगह पे दोनों में फ्लश होना चाहिए। चलिए आप सेम इसी जगह पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने चेक कर लिया, ठीक है, अब फिर भी लाइन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर चेक करना चाहिए, यहाँ पर क्या चेक करना चाहिए, देखिए फ्रेंड्स ये जो दोनों सॉकेट है ये आउटपुट का है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, और ये हमारा मेन कनेक्शन है, और ये जो है ऑटो चुक का होता है, कार्बोरेटर पर जाता है, ये ऑटो चुक का, इसका भी छोड़िए। चलिए ये होता है हमारा मेन कनेक्शन, जैसे कि इन होता है ये आउट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि ये हमारा है रीडिंग चेक करने के लिए पिकअप कॉइल का, ठीक है, इस पर भी आप चेक कर सकते हो क्योंकि सेम वायर है, ठीक है, ये पिकअप कॉइल का होता है और ये अर्थ हो गया, और ये जो है फ्रेंड्स हमारा मेन कनेक्शन है। जैसे कि अगर मान लीजिए गाड़ी में बैटरी है हमारा, तो क्या करना होगा, इस जगह पे 12 वोल्ट आएगा, इग्निशन ऑन करते ही। अगर मान लीजिए गाड़ी में बैटरी है नहीं, तो हमको इग्निशन ऑन करके किक लगाना होगा और चेक करना होगा, जैसे कि मैं दिखा दूं आप लोगों को फ्रेंड्स, इस तरीके से बल्ब जलना चाहिए क्योंकि इसमें फिलहाल हमने बैटरी नहीं लगा के रखा। ये देख सकते हो कनेक्शन हमारा सारा कुछ कनेक्शन खुला हुआ है, ठीक है, बस फ्यूज हमने लगा के रखा, कनेक्शन हमारा खुला हुआ है, ठीक है। अब हमको देखना होगा इस पर लाइन आ रहा है कि नहीं, ये जो कलर है, ठीक है, जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा किक मारते ही बल्ब जल रहा है, मतलब यहाँ पे एसी करंट बन रहा है हमारा, ठीक है, एसी करंट बन रहा है, तो इस वजह से ये कनेक्शन सही है। और ये जो आर्ट हमने यहाँ पर दे रखा है, आप खोल के चाहो तो इस जगह पे भी दे सकते हो, ठीक है, ये जो कलर है, क्योंकि ये और भी मतलब आसान हो जाएगा आप लोगों को समझने में, जो बॉडी आर्ट कहीं से मिसिंग तो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा पिकअप कॉइल का, ये हो गया 12 वोल्ट का। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार चाबी मतलब ऑन करके और बिना किक लगाए इस पे कैसे बैटरी वोल्ट आएगा। जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने बैटरी वोल्ट लगाया उस टाइम आ रहा है, ठीक है, जैसे कि देख सकते हो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, ये 12 वोल्ट आएगा जब भी हमारा गाड़ी में बैटरी लगा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये होता है इस पर हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये आउट लाइन होता है, ये सीडीआई से निकलता है सीधा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये होता है लाइट कॉइल का, ठीक है, तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे इस तरीके से हमको चेक करना चाहिए। और ये है जैसे कि कार्बोरेटर लाइन का होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑटो चोक वगैरह जो है ये उस लिए काम करता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ चेक करना होता जो अगर आपका सीडीआई बढ़िया से वर्क नहीं कर रहा है तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरीके से आपको चेक करना होता है। ये फ्रेंड्स अगर इसमें चाबी ऑन करते हैं किक मारने पे इस जगह पे लाइन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जो इग्निशन स्विच का कनेक्शन है उसको पहले डायरेक्ट कर देना है आपको, ठीक है। मान लीजिए आपका इस पे लाइन नहीं आ रहा है, फिर आपको डायरेक्ट कर देना इग्निशन स्विच को, ठीक है, तब भी अगर नहीं आ रहा है तो आपको वायरिंग चेक करना होता है, ठीक है, यहीं से कहीं से कटा तो नहीं है, ये सब चेक करना होता है। और दोस्तों मैंने जिस तरीके से टिप्स बताए जो कि हमारा स्पार्क नहीं हो कैसे चेक करना है, सिंपल सा तरीका इसी तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है, ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करना है, आपको सिंपल सा तरीके से चेक कर लेना तो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स अगर इस वीडियो में कुछ समझ लगा
तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और दोस्तों हम क्या करेंगे इसको एक बार एंड में स्टार्ट करके दिखाएंगे और नया सीडीआई लाएंगे, ठीक है। फाइनली हमने क्या किया फ्रेंड्स, सीडीआई को लगा दिया है नया सीडीआई, ठीक है। एक बार चलिए दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों बैटरी को हमने चार्ज में लगा था, बैटरी बिल्कुल डेड हो चुका है, बैटरी बिल्कुल भी चार्ज नहीं लिया है। और हमने पुराना बैटरी एक बार लगा के देख लिया, और चलिए एक बार क्या करते हैं स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो फाइनली हमारा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है बढ़िया से, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो वायरिंग चेक करने का सही तरीका यही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।